सो गाइज वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और बहुत ही पावरफुल साइट शेयर करने वाला हूं, जहां पर आप अपनी साइट या फिर ब्लॉग के लिए डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। ओके, अनलिमिटेड डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक आप बिल्कुल फ्री में इस साइट से क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कि वीडियो के साथ बने रहें। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है और मैं आपको हर बार की तरह प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने यहां पर अपने लिए बैकलिंक क्रिएट करना है। वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिकली जानेंगे, लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग बैकलिंक से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड या फिर साइट ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के यूजफुल अपडेट्स हर रोज फ्री में मिलते रहें। सो गाइज यहाँ पर मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, डायरेक्टली अपने मुद्दे की बात करेंगे। तो जो साइट है जिस पर आप डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, उस साइट का नाम है myro.com। ओके, तो सिंपली आपको इस साइट पे आ जाना है। आप URL भी यहाँ पर देख सकते हैं, myro.com। जैसे ही आप इस साइट पर आओगे तो इसका जो कुछ इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइट है। अगर बात करें बैकलिंक के मामले में तो आप यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। बाकी ट्रैफिक के मामले में देखा जाए तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आप लोग एक पावरफुल बैकलिंक जरूर यहाँ से बिल्ड कर सकते हो अपनी साइट के लिए। ओके, एक नहीं, अगर आप चाहें तो मल्टीपल अनलिमिटेड बैकलिंक यहाँ से ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ज्वाइन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सिंपल सा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इस फॉर्म को भर के, यानी कि आपका नाम, यूजर नेम आपको यहाँ से देना है, उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ईमेल दे करके। इसके अलावा आप लोग लिंक्डइन, जीमेल या ट्विटर के थ्रू डायरेक्टली भी साइन अप कर सकते हो, तो ये और भी आसान है। अब गाइस जैसे ही आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो देखिए इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल दिखेगी, इस प्रकार से आपका पूरा फीड होता है, और ऐसे इसके अंदर पोस्टें हैं, और जो भी पोस्टें हैं ना इसके अंदर वो सब आर्टिकल्स हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर आर्टिकल्स पोस्ट करके उसके अंदर अपना लिंक लगा सकते हो, इस प्रकार से आप लोग कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो एक टॉपिक्स का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे टॉपिक्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं, ये कैटेगरीज मान लीजिए, इनके अंदर आप अलग अलग प्रकार का जो कंटेंट है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना कंटेंट यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक एनालिटिक्स का भी ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने आर्टिकल्स यहाँ पर पोस्ट किए होंगे उसके आप एनालिटिक्स या फिर स्टैट्स जो है वो चेक कर सकते हैं कि भाई कितने लोगों ने देखा है, कितने व्यूज मिले हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एनालिटिक्स का, तो इसके अंदर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बट मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताना कि हम लोग यहां से डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए मैंने कुछ आर्टिकल्स यहां पर ओपन किए, जैसे कि ये वाला एक आर्टिकल था जो मेरी फीड में था, इसको मैंने ओपन किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसको स्टिल 575 व्यूज इसको मिले हैं, आप देख सकते हैं 69 अपवर्ड्स हैं। इसके अंदर कोई लिंक होगा तो उसको ओपन करके देखेंगे, आप देख सकते हैं इसमें कोई लिंक नहीं है। तो मैंने एक और आर्टिकल यहाँ पर ओपन किया हुआ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक कॉन्टेक्चुअल लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस पर अपन क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि भाई ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है, ठीक है। तो देखिए ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिंक है टोटली डू फॉलो लिंक है, 100% डू फॉलो, कहीं पर भी नो ओपनर या नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अपनी साइट या ब्लॉग के लिए डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। अब बात ये है कि कैसे हम यहाँ पर अपना बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक मेरी साइट है जो मैंने इसी चैनल के लिए यहाँ पे डिजाइन की हुई, आप देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हुए हम जानेंगे कैसे हमें बैकलिंक क्रिएट करना है। तो यहाँ से अपने किसी आर्टिकल का एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास आर्टिकल लिखा हुआ है, टॉप 5 बेस्ट विनसेरो वॉचेस, ठीक है। तो अब आपके पास दो तीन ऑप्शन है, या तो आप अपने इसी आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर दें वहां पर और उसके अंदर लिंक लगा दें, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, है ना। पर इससे अच्छा है कि आप लोग PLR आर्टिकल्स का यूज कर लो। ओके, या तो आप आर्टिकल खुद लिख लो, या फिर आप क्या करो कि सिंपली गूगल में जाओ और वहां पे आपको टाइप करना है PLR आर्टिकल्स। ओके, आपके सामने हजारों वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे देखो PLR.com, इसके अंदर जा सकते हो। यहाँ पे देखो किलर PLR आर्टिकल्स, इस साइट का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये काफी सारी साइट है जो कि PLR आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जाकर के आप आर्टिकल्स को यूज कर सकते हो। PLR आर्टिकल्स का मतलब होता है कि हम लोग उनको बिल्कुल फ्री में मार्केटिंग पर्पज के लिए रीयूज कर सकते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनमें से एक साइट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है, आप देख सकते हो ईजाइन आर्टिकल्स, और यहाँ पर मैंने लिखा वॉचेस। ओके, और वॉचेस मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे देखिए वॉचेस सर्च करने पर हमें यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, यानी कि यहाँ पर 1 लाख
आर्टिकल्स हैं हमारे सामने जिनका कि हम लोग यूज कर सकते हैं, और इनमें से मैंने एक आर्टिकल यहाँ पर ओपन कर रखा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ वॉचेस फॉर हेल्पिंग यू लुक योर बेस्ट एंड कीप यू ऑन टाइम। ओके, तो ये जो आर्टिकल है इसका हम लोग यूज करेंगे, देख सकते हैं आर्टिकल इस प्रकार से दिखेगा। इस आर्टिकल को हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके अंदर अपने लिए, अपने आर्टिकल के लिए यहाँ पर अपने बैकलिंक क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, तो सिंपली आपका जो आर्टिकल होगा जो आपको पोस्ट करना है उसका टाइटल आप यहाँ से कॉपी कर लें, उसके बाद वापस चले जाएं मायरो पर, और जैसे आप मायरो पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू पोस्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे देखो आप आर्टिकल्स को इंपोर्ट भी करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन अपन मैन्युअली डालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल जो है वो पेस्ट कर देना है टाइटल में, ये देखिए टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें जो अपना पूरा आर्टिकल पेस्ट करना है, तो बाकी का जो आर्टिकल है हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, आप इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइक अगर आप कोई, जैसे यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो चुके हैं, कोई हेडिंग वगैरह देना चाहते हो ना, ये देखो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आर्टिकल तो हमने पेस्ट कर दिया, बट हमें इसके अंदर लिंक लगाना है, इससे आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है। ओके, चाहे कम ही हो लेकिन ट्रैफिक आपको मिलेगा, इसकी पोटेंशियल है। ओके, और आप यहाँ से डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक तो क्रिएट कर ही सकते हो। ओके, तो अपन चलेंगे वापस अपनी साइट पर, तो ये जो मेरी साइट पर आर्टिकल है इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, या फिर आप क्या करें इसका पूरा टाइटल विद द लिंक हम यहाँ से कॉपी करेंगे इस प्रकार से, और बिल्कुल बॉटम में एक तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए बिल्कुल लास्ट में मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारा लिंक ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, हमें अलग से लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये भी है कि आप अपने आर्टिकल का लिंक यहाँ से कॉपी करें, वापस जाएं, और जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना कीवर्ड, जैसे कि मैं मान लीजिए कि इस कीवर्ड के अंदर अपना जो है लिंक लगाना चाहता हूँ। ओके, इस कीवर्ड को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लिंक का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो लिंक है आपके आर्टिकल का वो पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमारा लिंक लग चुका है। इस प्रकार से भी आप लोग कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, अपने टाइटल को डायरेक्टली पेस्ट करके भी आप लोग कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा आप आर्टिकल्स यहाँ पर पोस्ट करोगे अपने अलग अलग आर्टिकल्स के लिए, आप यहाँ से अलग अलग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, उतनी ज़्यादा बैकलिंक तो काउंट होंगी ना अलग अलग आर्टिकल्स की, तो आप यहाँ से अनलिमिटेड बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, वो भी डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। ओके, इतना सा काम करना आपको। ये सब करने के बाद सिंपली ये जो पब्लिश का बटन है, पब्लिश दिस पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, एंड बूम गाइस आप लोग देख सकते हो पोस्ट हैज बीन पब्लिश्ड सक्सेसफुली। हमारी जो पोस्ट है वो लाइव हो चुकी है, ये उसका टाइटल है, देख लीजिए। हम बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, स्टिल एक व्यू है जो कि हमारा काउंट किया है इसने। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए ये हमने लिंक लगाया था, टोटली क्लिकेबल लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर भी हमारा लिंक जो है वो क्लिकेबल लिंक है, कोई भी इसको कमेंट कर सकता है, कहीं पर भी शेयर कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक फ्री सोर्स है myro.com, जहां पर आप लोग अपनी साइट या ब्लॉग के लिए बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो इसको सेव कर लो, आपके पास जितनी साइट है उन सब के लिए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्री में बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में ना आए तो आपने कमेंट जरूर करना है। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मुझे दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में इसी प्रकार के एक शानदार अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।